हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल समर्थ बेबी ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? होप आप लोग अच्छे होंगे जहाँ कहीं भी होंगे। और थोड़ी सी मैं परेशान थी वाइटी को लेके, और मेरा ट्राइपॉड भी टूट चुका है तो मैं उससे शूट नहीं कर पा रही, तो मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है क्योंकि एक हैंड में लीड लेके और फिर शूट बोलना और दूसरे हाथ से फोन को पकड़ना मेरे लिए डिफिकल्ट हो रहा है। मैंने कम्युनिटी पे डाला था कि मेरे वीडियो पे ना कॉपी क्लेम आया है, तो उसके लिए मुझे क्या करना है, प्लीज मुझे हेल्प करिए आप लोग। तो वहाँ पे बहुत से लोगों का एक ही जवाब आ रहा है, एक ही चीज बोल रहे हैं वो लोग कि आपने किसी का कंटेंट यूज किया होगा, आपने किसी का कुछ, मतलब जो कॉपीराइट्स मिलते हैं जो जो चीजों से, वो आपने यूज किया होगा। तो गाइस, मैं आप लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल बता देती हूँ, एक है जिन्होंने मुझे बिल्कुल सही से बताया, एक कमेंट आया था कि मुझे एक चीज उन्होंने बताया जो मैंने शायद वो वाला कम्युनिटी से, मैंने वो वाला जो पोस्ट किया था वो मैंने डिलीट कर दिया क्योंकि उसको मैंने जैसे स्क्रीनशॉट लिया था सेम वैसे ही मैंने पोस्ट कर दिया था, तो उसको मुझे थोड़ा सा क्रॉप करके करना चाहिए था, सॉरी। तो उन्होंने मुझे बताया था म्यूजिक की वजह से है, म्यूजिक आप हटा दो, तो वही गलती मैंने कर दी। मुझे नहीं पता था कि म्यूजिक से, जिस ऐप से मैं वीडियो एडिट करती हूँ उसमें म्यूजिक प्रोवाइड की जाती है और मैं वही म्यूजिक डाल रही थी, तो जिस जिस पे वो म्यूजिक मैंने डाला है उस वीडियो पे मुझे कॉपी क्लेम आया है। कॉपी राइट तो स्ट्राइक जो होता है वो अलग होता है, क्लेम जो होता है वो अलग होता है। ज्यादा डीपली मैं नहीं बताऊंगी आप लोगों को, अगर ज्यादा डीपली जानना है, अगर किसी की वीडियो पे ऐसा आ रहा है कि कॉपी क्लेम करके, जैसे मेरे वीडियो पे आया है, आप अभी देख लास्ट में बिल्कुल देख सकते हैं आप, मैं लास्ट में वो छोटी सी क्लिप है, बिल्कुल छोटी सी, जिसपे कॉपी क्लेम आया था मैंने वो डाला है, और उसके बाद जो मैंने हटा दिया है वो भी मैंने डाल दिया है। दो तीन वीडियो मैंने डिलीट कर दिया था डर के मारे क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे करना क्या है एक्चुअल में। तो गाइस, अगर आप लोगों के साथ ऐसा होता है तो प्लीज आप लोग जल्दबाजी में ऐसी कोई कदम ना उठाएं जैसा मैंने किया कि वीडियो को डिलीट कर दिया, तो डिलीट मत करिएगा वीडियो को, क्योंकि जो स्ट्राइक आता है वो अलग होता है, क्लेम अलग होता है, तो क्लेम से कुछ नहीं होता है, वो सब मैं आप लोगों को बाद में ही बता दूंगी। अगर चाहिए तो आप लोग ज्यादा पूछ लीजिएगा, सिर्फ मैं अपने बारे में बता देती हूँ आप लोगों को कि मतलब मैं बहुत ज्यादा रात के टाइम पे मैंने देखा, मुझे इतनी घबराहट हो गई, मुझसे टाइप भी नहीं हो रहा था, तो वाईटी के ही दो तीन फ्रेंड है मेरे बहुत अच्छे अच्छे, उन्होंने फिर मुझे बताया कि आप ऐसा करो वो म्यूजिक को रिमूव कर दो, वाईटी जो म्यूजिक प्रोवाइड कराती है उसको आप यूज करो। तो फिर मैंने ऐसा ही किया है तो उससे वो हट गया है। अब कैसे प्रैक्टिकली अगर आप लोगों को जानना है तो आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा, मैं आप लोगों को बताऊंगी, क्योंकि ये हर किसी के साथ होता होगा जिन्हें नहीं पता होता होगा, जैसे कि मुझे नहीं पता था तो मेरे साथ ऐसा हुआ है। उस पर क्या लिख के आता है, इंक्लूड कॉपीराइट कंटेंट, ये लिखा हुआ आता है, इंक्लूड कॉपीराइट कंटेंट, तो मेरे पे यही लिख के आ रहा था। मतलब कम से कम मेरे पे नहीं तो 20 वीडियो पे तो था ही, मैंने सब पे ठीक किया है, अब ठीक हो गया है, मतलब कल से रात से मैं अब तक बहुत ज्यादा परेशान रही हूँ, तो अब थोड़ी सी चेहरे पे खुशी आ रही है। मुझे तो लगा था कि मेरी 5 मंथ की मेहनत बिल्कुल खत्म ना हो गई हो, मुझे लग रहा था कि मतलब 4-5 मेरे को स्ट्राइक आ गया, मेरे को पता ही नहीं चल रहा है। फिर मैं कूल डाउन हुई थोड़ा सा, उसके बाद मैंने देखा कि अरे ये तो लिखा हुआ है इंक्लूड कॉपीराइट कंटेंट, तो मैंने ऐसा क्या किया, फिर पता चला कि वहां पे मैंने फिर क्लिक वगैरह किया, थोड़ी बहुत वाईटी पे सर्च वर्च किया, तब जाके पता चला कि वो मैंने म्यूजिक डाल दिया है, इस वजह से हो रहा है मेरे साथ ऐसा। तो गाइस, मैं आप लोगों को बता देती हूँ, ये गुड न्यूज ही होगा कि मुझे कॉपी राइट स्ट्राइक नहीं मिला है, मुझे क्लेम मिला था वो मैंने हटा दिया है, तो अब कोई क्लेम भी नहीं है। और अब मैं कहते ना
दूध से जला मुंह छाछ भी फूक फूक के पीते, तो बिल्कुल अब मैं बहुत अच्छे से और बहुत ध्यान रख के वीडियो एडिट करूंगी और कोशिश करूंगी कि अब ये क्लेम भी ना आए मेरे वीडियो पे। तो अब प्लीज आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करिएगा, आप लोग बहुत सपोर्ट किए मुझे, बहुत ज्यादा सपोर्ट किए हैं। तो मैंने बता दिया इसी रीजन से मुझे कॉपी क्लेम आया था, मैंने म्यूजिक यूज कर लिया इसलिए। तो प्लीज आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करिएगा एक दूसरे को, और ज्यादा मतलब आप लोगों को अगर ऐसा आप लोगों के वीडियो पे आता है प्रैक्टिकली चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आप लोगों के साथ भी ये प्रैक्टिकली करके मैं शेयर जरूर करूंगी आप लोगों को। तो आप लोग देख लीजिए कि मेरे किस किस वीडियो पे कॉपी क्लेम आया था, और लास्ट में बिल्कुल देखिएगा तो वो हट चुका है, कॉपी क्लेम मैंने हटा दिया है। तो बस थैंक यू आप लोगों को, जो आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, दिल से थैंक यू सो मच। बाय, मिलती हूँ आप लोगों से बहुत ही अच्छी ब्लॉग के साथ, मिलूंगी, अब बहुत अच्छा अच्छा फील हो रहा है। तो बाय बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। इन इन वीडियो पे कॉपी क्लेम आया है, और लास्ट में देखिएगा तो वो अब हट चुका है, ये देख सकते हैं मैंने हटा।